हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आरओ एआरओ प्री जिन बच्चों ने क्लियर किया है और मेंस का जिन्हें एग्ज़ाम देना है, उनके मन में इस समय बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, अब तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी स्मार्ट रणनीति होनी चाहिए एआरओ आरओ एग्ज़ाम के लिए। तो उन सभी सवालों के जवाब हम अपने चैनल सक्सेस मंच पे आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इससे पहले की एक वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या होता है, ये सब मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिस भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, चाहे वो प्री से रिलेटेड हो चाहे मेन से रिलेटेड हो, आप हमारे चैनल पे वो देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए मेंस के लिए। और आज मैं आपको इस वीडियो में पीडीएफ भी शो करूँगी कि एग्ज़ाम का मेंस का कैसे एग्ज़ाम आता है, पेपर्स कैसा होता है, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, हिंदी का पेपर कैसा आता है, एससी का पेपर कैसा आता है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस भी करेंगे कि कैसी रणनीति हमारी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक से हम 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं आज की वीडियो में। ये देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सिलेबस क्या क्या होता है। जनरल स्टडीज़ आती हैं, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग आता है, हिंदी का एस्से आता है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊँगी। सिलेबस मैंने आपको बताया था, ये सिलेबस होता है। नेक्स्ट हिंदी के डिस्कशन किया था, हिंदी में क्या क्या आता है। हमने निबंध का डिस्कशन किया था कि निबंध कैसे आता है। आज हम बुक्स के बारे में बताएंगे कि बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। और मैं ये 100% गारंटी से कहती हूँ, अगर मेरी बताई बुक्स आपने फॉलो की, ये नहीं कि सिर्फ देखने के लिए फॉलो की और ला के रख दी कबर्ड में, रखना नहीं है उसको। रेगुलरली अपना टाइम टेबल बनाइए कि इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। आप अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, योर टाइम अपने आप को मैनेज कीजिए कि मुझे कितने घंटे दे सकता हूँ मैं, ये दे सकती हूँ और इतने घंटे ये बुक्स मैं पढ़ सकती हूँ, तब तो आपका मेंस क्लियर होगा मेरी ही बताई बुक्स के। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको 100% ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही पढ़िए आप, कुछ और नहीं पढ़ना। तो बुक्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगी, जैसे कि 400 मार्क्स का पेपर होता है। मैं आपको बता दूँ, 400 मार्क्स का पेपर होगा। तो 400 मार्क्स में से जो लास्ट ईयर की कट ऑफ एनालिसिस से मैंने देखा है, कट ऑफ जो जर्नल की कट ऑफ जा रही है वो 275 से लेकर और लगभग 285 के बीच में जा रही है। मतलब 285 से अगर ऊपर है तब तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है, लेकिन 275 से अगर नीचे है तो थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है कि इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। तो अगर आपका स्कोर इसके बीच में आ रहा है, जनरल कैटेगरी की अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं ऑल कैटेगरी यहाँ पर कट ऑफ मेंशन कर दूंगी कि मेंस में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग 300 प्लस जा रहे हैं तब तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपको अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप इसने मार्क्स लेकर आ रहे हैं जो मैंने बताया है, तो हो सकता है आप जो चाहते हैं वो पोस्ट आपको ना मिल पाए। तो इसलिए अपना मिनिमम टारगेट आप 290 तो रखिए ही रखिए, जर्नल की बात कर रही हूँ, 290 रखिए ही रखिए। बट दो चार नंबर इधर उधर हो सकते हैं, नहीं कहा जा सकता क्या होगा। अगर 275 और 85 के बीच में आते हैं तो आपकी एक पोस्ट तो पक्की है, अगर ये हो सकता है कि वो आपके मन के लायक ना हो। तो इसीलिए थोड़ा सा ये दिमाग में रखिए कि मुझे अब इतने में से इतना स्कोर लेकर आना है। आरओ के एग्ज़ाम जैसे ही पास आएगा थोड़ा सा मेंस का, तो मैं थोड़ा सा इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगी कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए या एसए की प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके प्रैक्टिस सेट भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थोड़ा सा एग्ज़ाम की डेट आने दीजिए, थोड़ा सा एग्ज़ाम थोड़ा पास आने दीजिए, अभी आप सिर्फ स्टडी करिए, पढ़ाई करिए। तो चलिए अब हम बुक्स के बारे में डिसीजन लेते हैं, बताते हैं क्या क्या बुक्स हैं।
जैसे कि सबसे पहला है सामान्य विज्ञान, तो ये नॉर्मल विज्ञान है, इसमें कोई हमें पीएचडी नहीं करनी है विज्ञान के सब्जेक्ट में। तो इसमें दो बुक्स के नाम मैं बताऊंगी पहले, तो एक है लूशेंट की सामान्य विज्ञान, इसमें जैसे बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ये आप पढ़िएगा, नहीं ये पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक एक चीज़ क्लियर करनी है, साइंस में आपका इंटरेस्ट है, तो ये आप बुक्स ले लीजिएगा, ये लीजिएगा या तो ये लीजिएगा, दोनों में से एक लेनी है, दोनों नहीं पढ़नी है, इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोनों कवर कर पाए। परीक्षा हमारी की है भौतिक और रसायन विज्ञान, इसी की ही बायोलॉजी में भी आएगी, जीव विज्ञान में भी परीक्षा वाणी की बुक आएगी, वो ले सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी बुक है। तो इन दोनों में से कोई, ट्यूशन की भी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा फैक्चुअल दिए हुए हैं कि कभी कभी दिमाग घूम जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करके इस परीक्षा वाणी लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये नहीं आपको मिलती है कहीं से, तो फिर आप ट्यूशन पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है ट्यूशन भी। इसके साथ साथ इसमें जो टॉपिक आप कवर करते हैं, जैसे कि लूशेंट में से आपने भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक कवर कर लिए, अब यहाँ घटना चक्र की बुक आती है, इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आरओ एआरओ एमपी पीसीएस यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस जितने भी पीसीएस एग्जाम हुए होते हैं उसके पेपर्स यहाँ पर होते हैं, तो ये पिछले 10-15 साल के पेपर होते हैं इसमें। तो आप इसमें से कर सकते हैं प्रैक्टिस, इसमें से टॉपिक करना और घटना चक्र में से उसी टॉपिक से, ये भी टॉपिक वाइज होता है कि जैसे हिस्ट्री का हो गया, तो हिस्ट्री में अगर सिंधु घाटी सभ्यता है तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के ही क्वेश्चन उसमें दिए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ही, तो ये इजी हो जाता है कि आप टॉपिक पढ़ने के बाद यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी एग्ज़ाम के बारे में, कि इस एग्ज़ाम में 30-50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं ये कम ही बता रही हूँ, कभी कभी 70% तक रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन आप अपना मिनिमम मान के चलिए 30-50% क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो रिपीट का मतलब कि घटना चक्र, घटना चक्र आपके बहुत बहुत काम आने वाली है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में सब आपको घटना चक्र में ही मिलेंगे। तो आप इस दोनों में से किसी एक बुक से पर्टिकुलर थ्योरी पढ़िए, उसके बाद इसमें से प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन करिए, अगर इसे नहीं करोगे तो थ्योरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी पढ़ने पढ़ते हैं दिमाग से निकल जाता है, पढ़ते हैं दिमाग से निकल जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट की मैं बताती जा रही हूँ आगे, घटना चक्र लेकर रखिए, एक सेट बना के रखिए, और किसी किसी चीज़ की तो ये शायद पीडीएफ भी मौजूद है, अगर कोई होगी तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी, अगर किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ नेट पे होगी तो, ठीक है। तो साइंस का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में भारत का इतिहास इसमें दिया हुआ है, तो इसके लिए पुरानी एनसीईआरटी 6-12 तक बहुत अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो आप अभी काफ़ी टाइम है तो आप इसको पढ़ डालिए एनसीईआरटी को। और इसमें क्या सामान्य ज्ञान, जो लूशेंट की मैंने यहाँ बुक बताई है जो जनरल नॉलेज की है, इसमें मुश्किल से 70 पेज के अंदर पूरी हिस्ट्री कवर हो गई है, तो आप इसको रिवीजन के तौर पर ये बुक रखिए, कि अब मान लो आप पेपर के 20 दिन पहले है, तो आप पूरी एनसीईआरटी तो रिवाइज करोगे नहीं कि पूरी मैं 6-12 तक रिवाइज कर लूँ, तो इसके लिए लूशेंट आप रखिए। लूशेंट में लगता है बहुत लोगों ने, आप तो पुरानी हो चुकी है, मतलब इसमें क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार, अब क्वेश्चन इसमें से पूछे नहीं जाते हैं, ऐसा कोई लोगों का मन, मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि अब लूशेंट पुरानी होगी, इसमें से क्वेश्चन अब नहीं बनते, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिवीजन के लिए आप उठा के देख लो पेपर, लगभग 70% क्वेश्चन लूशेंट से ही आए हुए होंगे, वही चीज़ है कि हमें ढूंढना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं तब पता लगता है। तो आप एनसीईआरटी पे अभी पढ़ो, बाद में अभी लूशेंट की ज़रूरत नहीं है, जब ये 2-3 बार कंप्लीट हो जाए आपकी अच्छे से, तब आप लूशेंट से, लूशेंट काफ़ी लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, तो उससे आप रिवीजन के तौर पे लूशेंट अपने पास रख सकते हो, क्योंकि इतनी जल्दी एनसीईआरटी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो लूशेंट से रिवाइज करो, लास्ट 10 दिन में आपका हो जाएगा अच्छे से। प्लस घटना चक्र तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी टॉपिक पढ़ो, जैसे कि इसमें चोल साम्राज्य आपने पढ़ा इस बुक में से एनसीईआरटी में से, तो आप चोल साम्राज्य भारतीय इतिहास का जो घटना चक्र है वो टॉपिक खोलो और उसमें से क्वेश्चन आंसर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कितने हद तक उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। तो इसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन सीरीज भी चल रही है, आप उसमें से भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। हिस्ट्री का मैं पर्सनली हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उसकी क्लासेस भी ले रही हूँ, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं विजिट करके। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
इसके लिए स्पेक्ट्रम से अच्छी कोई बुक नहीं है मेरी नज़र में। तो स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर की बुक है, इसको आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कीजिएगा। प्लस इसमें जो लूशिंग सामान्य ज्ञान है, ये रिवीजन के लिए मैंने कहा। वैसे रिवीजन इससे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पीछे ना शॉर्ट नोट्स टाइप में दिए हुए हैं इस वाली बुक में, इतिहास में, तो इसमें से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, घटना चक्र तो मस्ट है हर एक के लिए। इसमें से पढ़िए और इसमें से क्वेश्चन आंसर करिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग भारतीय राज्यतंत्र अर्थव्यवस्था संस्कृति। इसके लिए एकमात्र बुक है भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की। इसके अलावा कोई भी बुक नहीं है, यही इसका रामबाण इलाज है भारत की अर्थव्यवस्था का। तो उसमें से आप क्वेश्चन कीजिए। प्लस इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, इसमें से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो घटनाचक्र तो सब हर एक सब्जेक्ट की लेनी है आप लोगों को। आगे बात करते हैं विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल। इसमें आप लोग ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, सॉरी यहाँ पर ओल्ड नहीं, न्यू आप लेंगे, पुरानी नहीं। जो हमारी कंट्रीज हैं, उनके देश हैं, उनकी सीमाएं हैं, ये सब चेंज हो चुके हैं काफ़ी हद तक। तो आप न्यू एनसीईआरटी इसमें से लेंगे, ज्योग्राफी की न्यू एनसीईआरटी की बुक्स जो नेट पे बहुत इजीली मौजूद है, उसमें से आप करिए 6 to 12। 11th की बहुत ही मस्ट है, 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर करिएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो ये वाला बुक काफ़ी अच्छी है, माजिद हुसैन की भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें से आप लोग यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट, घटनाचक्र को आपको करना ज़रूरी है भूगोल के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसके लिए घटनाचक्र की करंट अफेयर की जो बुक आती है वो, प्लस मैं जो करंट अफेयर करा रही हूँ, मैं भी 100% श्योर हूँ कि जो मैं करंट अफेयर करा रही हूँ उसके अलावा आपसे RO 11 में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। जहाँ से मैंने कराना शुरू किया है उससे पहले का पूछेगा, तो वो अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं पहले का भी करा दूंगी, लेकिन मैं अक्टूबर 2018 से शुरू किया है मैंने करंट अफेयर, तो मैं वही करवा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियोस देख सकते हैं उस पर, और रेगुलरली मैं इस ये वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप, और इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, प्रतियोगिता, दर्पण, क्रॉनिकल, कुछ भी, तो उसमें से आप कर सकते हैं हमेशा। तो एक साल का आपको, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आते ही हैं इसमें से क्वेश्चंस। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में दो बुक्स बहुत ही अच्छी हैं, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक है सामान्य हिंदी की, पृथ्वीनाथ पांडे की बुक, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। एक है सामान्य हिंदी की डॉक्टर हरदेव बाहरी और केदार शर्मा की। इस बुक में थोड़ा सा ये खास बात है, ये डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा है, इसमें क्वेश्चंस कम हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है डिस्क्रिप्टिव के टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप ये बुक भी ले सकते हैं, अगर आपको, आपके पास है तो कोई ज़रूर नहीं है कि ये बुक लें, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। प्लस आपको प्रैक्टिस करनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो क्वेश्चन आंसर वन लाइनर ज़रूर कीजिए कि एक क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए, ये ज़रूर कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करना, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं लर्न होता, सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे साथ के साथ। और हिंदी में तो हम लोग करवाएंगे ही, धीरे धीरे हम वीडियोज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लस मैं हिंदी के भी क्वेश्चन पेपर सेट्स आपको देने की कोशिश करूंगी जल्द से जल्द। ये तो निबंध की बात कर लेते हैं हम। निबंध में तीन टाइप के निबंध आते हैं, मतलब कि निबंध के तीन क्वेश्चन आते हैं, एक ये सेकेंड पार्ट हमारा ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, तीन क्वेश्चन आएंगे, तीनों में तीन कैटेगरीज होंगी। तो आप पहली जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक भी कैटेगरी पे बहुत अच्छे से निबंध तैयार कर लेना तो आप लिख सकते हो। जैसे कि पहला है साहित्य और संस्कृति, तो इस पे कोई निबंध आ सकता है, जैसे कि साहित्य और भारतीय समाज, ये बताइए, तो इस पे आप तैयार कीजिए। सामाजिक क्षेत्र पे कोई निबंध आएगा या राजनीतिक क्षेत्र पे कोई निबंध आएगा, तो पहली कैटेगरी में ये आएगा। दूसरी में आएगा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है कोई भी। ये चीज़ होती है, मैं अभी आपको PDF शो करूँगी कि कैसा पेपर आता है। तो ये होता है कि करंट में जो टॉपिक चल रहा है मेनली क्वेश्चन उसी से ही आते हैं, तो करंट से ज़्यादा अवेयर रहोगे तो आपको निबंध लिखने में भी इजीनेस रहेगी। थर्ड पे क्वेश्चन में आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र और प्राकृतिक आपदाएं, जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़, कहीं भी लेटेस्ट आया तो ये आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास योजनाओं में से कुछ आ सकता है थर्ड में, तो ये इसमें आप लिख सकते हो। तो हिंदी निबंध के लिए मैं पर्टिकुलर किसी बुक्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी, इसमें आप
जो आपके आते हैं आर्टिकल्स आते हैं जो न्यूज़पेपर में, उसे पढ़िए, उसमें से आप निबंध की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल जितना पढ़ोगे उतना ही आपका माइंड इवेलुएट होगा और आप उसमें पढ़ अच्छे से लिख सकते हो निबंध। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करो, योजना, कुरुक्षेत्र, इस टाइप के, और मैगजीन पढ़ने की कोशिश करो, तो हिंदी निबंध आप लिख सकते हो। बाकी निबंध पर मैं 2-3 क्लासेस ले लूँगी कि निबंध शुरू कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, बीच की बॉडी उसकी कैसी होती है, तो इस टाइप की क्लासेस मैं ले लूँगी और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्वेश्चन पेपर हिंदी का, ऐसे का किस टाइप से आता है, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि हमारी तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए 2016 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला जो क्वेश्चन आया है, इसमें अपठित गद्यांश, जिसमें देखिए 3 रेखांकित शब्द हैं, इसका आपको व्याख्या करनी है इन पंक्तियों की। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो शीर्षक में पहला क्वेश्चन आएगा। इसी तरह जो सारांश लिखने को बोला है, ये इतना बड़ा गद्यांश है, इसका पूरा आपको सारांश लिख के बताना पड़ेगा, इसके 10 मार्क्स हैं। और फिर रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करो, जो 3 पंक्तियाँ ये रेखांकित आपके सामने दिख रही हैं, इसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर भी मैं आपको क्लासेस दे दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे करना कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सरकारी पत्र का सारणी रूपण, टेबलर फॉर्म में इसे सार लेखन करो, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे हम बात करते हैं इसी में, ये देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आएगा कि या तो किसी पर आपको पत्र लिखना होगा, जैसे अर्थशासकीय पत्र लिखने को आया है इसमें। नेक्स्ट, या तो आपको कार्यालय आदेश किसे कहते हैं और इस आदेश का प्रारूप बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। ये आपको पूरा मैंने सिलेबस में बता दिया है कि क्या क्या आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपको टिप्पणी लेखन, जैसे इसमें आया तो टिप्पणी लेखन आएगा, तो ये पूरा 45 नंबर का ये 3rd क्वेश्चन आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये होता है आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है। ये हमारे 12 शब्द दिए होते हैं, 12 में से 10 शब्दों का आपको ट्रांसलेशन करना होता है। इसी तरह हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना होता है, इसमें भी 12 शब्द दिए होते हैं, तो 10 शब्दों का आपको ट्रांसलेशन करना, ये पूरा पेपर हिंदी का होता है। इसके सिलेबस में है वो कंप्यूटर तो दिया हुआ है, लेकिन कंप्यूटर इसमें आपको पेपर में कहीं स्पेसिफिक मेंशन नहीं करते हैं पेपर में। इन लोगों ने सिलेबस में तो कंप्यूटर मेंशन किया है, लेकिन पेपर में नहीं देते हैं, या कुछ समझ में नहीं आता मुझे। चलिए नेक्स्ट एसे की बात कर लेते हैं हम। ये देखिए खंड ए, समाज के विकास में साहित्य की भूमिका। अब ये देखिए मैंने बोला था ना, इतिहास, साहित्य, संस्कृति, कुछ भी जोड़ के दे देंगे, ये आपका पहला टॉपिक ये हो गया। नेक्स्ट आज की महिला, सामाजिक जो विषय होता है उस पर, और राजनीतिक में विश्व बैंक और भारत, ये आपका राजनीतिक क्षेत्र होगी। नेक्स्ट खंड व बात करते हैं हम, इसमें पर्यावरण, हमारा जनजीवन, जैसे इसमें प्रौद्योगिकी विज्ञान पे आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट भारत की आर्थिक नीति, राष्ट्रीय कृषि उद्योग, तो जो जैसे जैसे मैंने आपको टॉपिक वाइज बताए हैं वैसे ही आता है। तो आप 3 पार्ट में से कोई एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लो, तो उसमें आप निबंध लिख सकते हो। 3rd देखिए पार्ट सी में आया है हमारा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और हमारा देश, ये करंट का टॉपिक है। भूकंप और सुनामी की समस्या और हमारी निवारक व्यवस्था, ये देखिए आपका ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसका टॉपिक है, जो अभी मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान और हमारा देश, हमारी जो योजनाएं चल रही हैं देश में उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आपको आ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसा आता है। तो चलिए होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बुक्स पढ़नी है। और मैं श्योरिटी गारंटी से कहती हूँ, अगर आप लोग ये बुक्स पढ़ते हैं तो आपका मेंस क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको अपने अंदर फेयरनेस लानी होगी, अपने ऊपर फेयर रहना होगा आपको कि हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और टाइम टेबल बनाइए अपने, जितना भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा शेड्यूल बनाइए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको और क्या क्या चीज़ें जाननी है, तो हम उसी हिसाब से आपको और वीडियोस बना के देंगे। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।